हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इमर्जिंग सिटीज में। आज हम आ पहुंचे हैं फिर से अपने शहर झांसी में और आज हम बात करेंगे झांसी में घूमने लायक 10 सबसे बेहतरीन जगह। यहां आपको घूमने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर जगहें देखने को मिलेंगी, तो यहां पर आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप झांसी घूमने गए हुए हैं। और मैंने एक वीडियो बना रखी है झांसी शहर की के बारे में संपूर्ण जानकारी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा झांसी में हमको कहां पर घूमना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताता हूं आपको झांसी में कहां कहां घूमने जाना चाहिए। तो नंबर वन पर आता है झांसी का किला। तो हम सभी जानते हैं झांसी जानी जाती है झांसी के किले के कारण, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका निवास स्थान था और यहीं पर उनकी पराक्रम और सुंदरता और बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको झांसी आए हैं तो झांसी के किले में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतिहास से जुड़े हुए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर बिल्कुल आता है नाम रानी के महल का, यानी कि रानी महल। यहाँ पर आपको बेहतरीन नक्काशियाँ, डिजाइन, कलाकृति देखने को मिलेगी जो कि टूरिस्टों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी ज़माने में यह रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन अब इसको म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में राजाओं के द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था उन्हें संग्रहित करके रखा गया है और यहाँ पर जाके आप अपने इतिहास को और खूबसूरत चित्र कलाओं के माध्यम से जान सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जगह आपको ये होने वाली है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो बरुआ सागर झरना, जो कि झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह बहुत ही सुंदर दृश्य झरने का यहाँ पर दिखता है। आसपास का सबसे बेहतर पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ पर आप जाकर आराम से पिकनिक वगैरह और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। यहाँ पर लोग पर्यटक और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकल के लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर पिकनिक और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हैं, तो आपको भी यहाँ पर जरूर से जाना चाहिए। तीसरे नंबर से निकल कर अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं तो नाम आता है सखी के हनुमान मंदिर का। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर जो हमारे हनुमान जी हैं वो हनुमान जी यहाँ पर स्त्री रूप में विराजमान है, तो यह सबसे अनोखा मंदिर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे ही इसमें प्रवेश करेंगे तो भगवान राम का एक बहुत ही सुंदर रूप में मूर्ति विराजमान है, तो आप वहाँ जाकर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये बड़ा ही यूनिक मंदिर है और इसके साथ साथ आपको शिव जी, माता पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता और माँ दुर्गा जैसी मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, जो इसको बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनाता है, तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। बात करें पाँचवें नंबर पर तो पाँचवें नंबर पर आता है गणेश जी का मंदिर, जैसे गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। झांसी में इस मंदिर पर हर कोई जानता है क्योंकि यह लगभग 500 साल पुराना है और यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। इस कारण से यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुरानी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं झांसी के लोगों की, क्योंकि यहीं पर हमारी रानी का विवाह हुआ था और यहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए रोज हजारों की तादाद पर लोग आते हैं। तो आपको यहाँ पर झांसी आए हैं तो जरूर गणेश मंदिर में एक बार जाना चाहिए। छठे नंबर पर बात करते हैं तो नाम आता है हर्बल गार्डन का। अगर आपको विज्ञान में बहुत ही ज्यादा रुचि रखते हैं और आप विज्ञान से जुड़ी हुई कई सारी चीजों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यह झांसी के कैंट एरिया में बना हुआ एक पार्क है जहाँ पर बहुत सारी खराब हुई चीज़ों से मिलकर कई सारे नक्शे और डिजाइनें आप तैयार किया गया है। यहाँ पर झांसी में हर्बल गार्डन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय घूमने का स्थान है और यहाँ पर सुंदर गार्डन के बीच में सजे हुए बेहतरीन डिजाइन, टूटी हुई वस्तुओं से बनी हुई विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगी, तो आपको हर्बल गार्डन घूमने एक बार तो जाना ही चाहिए। सातवें नंबर पर आता है चतुर्भुज मंदिर।
झांसी केवल अपने इतिहास के लिए नहीं बल्कि धार्मिक जगहों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर पर हर बार साल में लाखों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर लोकल और दुनिया और बाहर के देशों से भी यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर यह मंदिर विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर है। यह झांसी और ओरछा के किनारे बेतवा नदी के किनारे बिल्कुल बसा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए। नंबर 8 पर बात करें तो महालक्ष्मी मंदिर, जो कि आपको झांसी के किले के गेट पर ही देखने को मिल जाएगा, लोग इसको अपना बहुत ही पुराना और कुल देवी का मंदिर मानते हैं। इसलिए यहाँ पर साल भर भीड़ लगी रहती है और दिन भर भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है, और जैसे ही आप महल घूम के निकलते हैं तो आपको मंदिर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल सामने स्थित है। 9वें नंबर पर बात आती है झांसी के म्यूजियम की। तो म्यूजियम तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1857 में जो क्रांति हुई थी हमारे झांसी में, उसकी बहुत सी वस्तुएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको खुदाई से निकली हुई मूर्तियाँ, महल से निकली हुई मूर्तियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को म्यूजियम में मिल जाएगी, जो पूरा इतिहास समेट कर अपने अंदर रखता है। झांसी म्यूजियम खुलने का समय सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक है, और इसका टिकट मात्र 5 रुपये है, तो आपको यहाँ पर जरूर से जाना चाहिए। बात 10 नंबर की करें तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन जगह आती है ओरछा। ओरछा यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूर एक स्थित छोटा सा कस्बा है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। हम इसके ऊपर डेडिकेटेड पूरी एक वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जानकारी पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप ओरछा जाना चाहते हैं तो ओरछा में आपको ओरछा का किला, राजा का महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बहुत सारी चीज़ें आपको ओरछा में देखने को मिलेगी, तो ओरछा एक काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये रही टॉप 10 की लिस्ट, जो कि आपको जरूर से झांसी में एक बार घूमने जाना चाहिए। और झांसी की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे नाम और बताना चाहूँगा जहाँ पर आपको जाना चाहिए, जैसे कि राम मंदिर, परीक्षा बांध, पनियारा नाथ का झरना, गढ़मऊ लेक, अतिया ताल, झांसी, ओरछा का चिड़ियाघर, और भी यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, जो आपको बहुत ही अच्छी डेस्टिनी प्रोवाइड करती है। तो ये रही आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। झांसी वाले हैं तो अगले झांसी वाले के पास तक आप पहुँचाइए। धन्यवाद।